और इसका सिर्फ और सिर्फ आस्किंग रखे हम लोग लिए 165,000 इसका रखा है गाड़ी का प्राइस, 2,25,000 रुपये है। और VX है, टॉप वाला वेरियंट है, और ये गाड़ी भी 54,000 चली और सिर्फ एंड सिर्फ इसका आस्किंग हम लोग रखा है 775। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत करता हूँ वापस से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, आप लोगों की काफ़ी दिनों से रिक्वायरमेंट थी कि कुछ अच्छा ब्लॉग आए, कुछ अच्छा देखने के लिए मिले, तो आया हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नया और शानदार ब्लॉग, जैसा कि सेकेंड हैंड कार मार्केट। तो फिलहाल अभी मैं हूँ अंधेरी ईस्ट में, तो ये फिलहाल यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारे कार्स उपलब्ध हैं और काफ़ी अच्छे प्राइस में है, चीप प्राइस में है, और यहाँ पर जो है कार्स आते ही रहते हैं डेली बेसिस। आपको हर वैरायटी का, हर ब्रांड का आपको यहाँ पर उपलब्ध होने लगा। तो आप अभी फिलहाल 40 से 50 कार उपलब्ध है इनके पास, और हम आपको स्टेप बाय स्टेप कार दिखाएंगे कि मिनिमम 1,15,000 से स्टार्ट है एंड मैक्सिमम 38 लाख रुपए तक उपलब्ध है। तो फिलहाल अभी हम कार्स के जो स्पेसिफिकेशन एंड कितने चले हुए हैं और मिनिमम क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम आपको इनसे बात करेंगे, जो कि यहाँ के जो भी स्टाफ हैं उनसे, और क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है वो चीज़ें हम कार के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल ये है एंड माइलस्टोन, जो कि डीलर है, एंड फिलहाल हम दिखाते हैं आपको, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कार से, हम स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद ब्लॉग को यानी कंटिन्यू रखते हैं, लेट्स गो। माइलस्टोन कार डीलर, एंड यहाँ पर मैं विजिट किया हूँ इनके शॉप पर, और यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के कार उपलब्ध है, अलग अलग ब्रांड के कार उपलब्ध है। तो फिलहाल हमारे साथ ये है हमारे सपोर्ट करने के लिए, और ये बताएंगे कार के बारे में कि क्या स्पेसिफिकेशन है और कब का मॉडल है, क्या ब्रांड है, वो सभी चीज़ें आपको बताएंगे, और कितना चला हुआ है बताइए आप क्या इसका। ये 2012 की ट्रेड लाइन है, सिंगल ओनर गाड़ी है, 62 आसपास चली है गाड़ी, और इसका आस्किंग अपन हम लोग रखे हैं 3,20,000। मतलब सिंगल ओनर गाड़ी है, 2012 मॉडल है, और कितना चला हुआ ये 62,000, मतलब ये गाड़ी चला हुआ है और 3,20,000 रुपये इसका प्राइस है। बरोबर, तो इसका आप देख सकते हो कंडीशन, मुझे काफ़ी ऑलमोस्ट अच्छा लग रहा है। तो आपको हम पहले अंदर ही कंडीशन दिखाते हैं, आप देख सकते हो कंडीशन अंदर की क्या है। कंडीशन आपने देखा ऑलमोस्ट, अंदर की कंडीशन बहुत ही अच्छा है। तो फिलहाल हम आपसे सेकंड गाड़ी पर, ये सेकंड गाड़ी अपनी सर होंडा सिटी है, ऑटोमेटिक 1.5 ऑटोमेटिक है सर, ये गाड़ी सेकंड ओनर है और गाड़ी भी मतलब कम चली है, 50,000 ही चली है। इसमें एयर बैग, ABS, माइक्रो लिक्विड सब कुछ फुल्ली लोडेड गाड़ी है ये, और इसका अपन सिर्फ एंड सिर्फ आस्किंग रखा है सर 3,50,000 रुपये इसका रखा है। मतलब ये ऑटोमेटिक गाड़ी है और इसके अंदर फीचर्स बहुत ही ज़्यादा है, और 3,50,000 रुपये इसकी जो है असली प्राइस है। तो आप आते के देख सकते हो होंडा सिटी है। आते हैं फिर हम दूसरे गाड़ी की ओर, आपने जो गाड़ी देखा वो है स्विफ्ट डिज़ायर, और इसके बारे में बताएंगे। वाइट सर डिज़ायर है, वाइट कलर में, 2013 की सिंगल ओनर गाड़ी है, और गाड़ी भी कम चली हुई है, 33,000 चली हुई है सिर्फ, और सिर्फ एंड सिर्फ इसका आस्किंग हम लोग रखते सर 4,35,000। आप 4,35,000 रुपये इसका प्राइस है स्विफ्ट डिज़ायर, और कितना चला हुआ है ये 33,000 चली, 33,000 चला हुआ है। तो आप इससे लगा सकते हो भाई, कंडीशन की बात करें तो गाड़ी वेल कंडीशन में, मेंटेन है, मेंटेन है पूरा है, और यहाँ पर आपको पूरी फुल्ली कंडीशन चेक करके आप ले जा सकते हो यहाँ से। बराबर, अब हम आते हैं ये मर्सिडीज की ओर। मर्सिडीज है सिल्वर कलर की, और बताएंगे इसका क्या, कितना चला हुआ और प्राइस कितना है। ये सर ये 2010 की है, सेकेंड ओनर गाड़ी है, डीजल AC 25 CD है, डीजल है ये, और गाड़ी भी कम चली हुई है सर जी, 74,000 के आसपास चली हुई है गाड़ी, और इसका आस्किंग अपन रखे 8,90,000 इसका आस्किंग है। मर्सिडीज 2010 की डीजल गाड़ी, 2010 की डीजल गाड़ी जो है आपको मर्सिडीज आपको इस वेल कंडीशन में आपको मिलता है यहाँ पर 8,90,000 का हो रहा है। बाकी आप आकर के यहाँ पर बार्गेनिंग कर सकते हो, एंड अगर आप कहीं से भी हो इंडिया में कहीं से भी, तो वहाँ पर भी आप
ट्रांसफर करवा सकते हो यहाँ पर। बताइए अगर कोई अगर बिहार से देख रहा है कोई रिवर्स हमारे अगर वो लेना चाह रहे हैं इस गाड़ी को ले तो कैसे ले सकते हैं? ले सकते हैं इधर से हम लोग है ना मुंबई से आपको NOC करके मिल जाएगा, आप उधर ट्रांसफर कर सकते हैं गाड़ी। मतलब NOC करके आप जो है ट्रांसफर कर सकते हो कहीं पर भी, ठीक है, किसी भी स्टेट से हो। फिर आते हैं दूसरी गाड़ी की और ये है आते हैं हम स्कॉर्पियो के, व्हाइट कलर के स्कॉर्पियो है और इसका प्राइस क्या है, कितना चला हुआ है भाई? कंडीशन तो मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, तो बताएंगे आप। ये 2012 की है, MOF वाला टॉप वाला मॉडल है, सिंगल ओनर गाड़ी है और 72 आसपास चली हुई है गाड़ी। और इस कास्ट में हम लोग रखे हैं 5.5 लाख रुपए इसका आस्किंग है, सिंगल ओनर गाड़ी है। अरे 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो की जो है कीमत है, और जो कि देखा जाए तो टॉप मॉडल है और 2012 है ना ये 12 का मॉडल है भाई। और कितना चला हुआ है ये? 72,000 ये चला हुआ है भाई। कंडीशन की बात करते हैं ऑलमोस्ट कंडीशन वेल है, बिल्कुल ही कंडीशन अच्छा लग रहा है देखने के लिए। और थोड़ा मैं आपको अंदर का व्यू दिखा देता हूँ। कंडीशन जो है अंदर की ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा कंडीशन है, और बाकी सभी चीज़ें हैं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेगा इसमें मतलब। और अंदर कंडीशन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, सीट वगैरह भी बेस्ट है, ऑलमोस्ट बेस्ट कंडीशन है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो पूरी कंडीशन ही मस्त। तो अब आते हैं दूसरे गाड़ी को, ये 2016 का मॉडल है, सिंगल ओनर गाड़ी है, 70,000 आसपास चली है गाड़ी। और इसका सुबह बलेनो गाड़ी है, उसका आस्किंग हम लोग रखे 6,10,000 इसका आस्किंग है, और गाड़ी सिग्मा वेरिएंट। तो अंदर की अब कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर की कंडीशन जो है कुछ अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी फिलहाल देख सकते हो अंदर की कंडीशन ही ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी कंडीशन है, मतलब स्क्रैचेस भी नहीं लग रहा है देखने के लिए, कहीं पर भी स्क्रैचेस नहीं है। आप स्टीयरिंग भी देख सकते हो, म्यूजिक सिस्टम, GPS वगैरह भी है इसके अंदर, GPS वगैरह भी है, GPS वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध है। एंड कंडीशन इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए, 2016 मॉडल है। तो बाकी प्राइस 6,10,000 रुपये, आपको भी विजिट करते हो तो बाकी कम वगैरह हो जाता है, कोई मसला नहीं है। और दूसरे गाड़ी तो ये गोल्डन कलर का एक और गाड़ी है, और इसके बारे में हम क्या इसका क्या है? ये 2012 की अल्टो है, सिंगल ओनर गाड़ी है, 33,000 ये चली हुई है। और इसका स्वीप आस्किंग रखे हम लोग ले 165,000 इसका रखा है गाड़ी का प्राइस। आप आओ लेके जाओ, जिसको सीखने की सब चीज़ें है, तो गाड़ी एकदम पूरा फर्स्ट क्लास है और गाड़ी पूरा वेल मेंटेन है गाड़ी है। 1,65,000 रुपये पड़ रहा है इसका। एक और गाड़ी आपको मैं दिखाता हूँ, इसके बारे में भी हम जानते हैं कि कितना चला हुआ, कब का मॉडल है और कितना तक में ये पड़ेगा। बरोबर, ये 2014 का गाड़ी है, सिंगल ओनर गाड़ी है, सिर्फ 18,000 चली हुई है गाड़ी है, पूरा वेल मेंटेन है, कंपनी सर्विस मेंटेन है, और ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है, ग्रैंड आई10 है ये पेट्रोल वेरिएंट में। और सिर्फ एंड सिर्फ इसका आस्किंग हम लोग रखे 3,90,000 इसका प्राइस रखा हुआ है सर जी हमने। तो ये आप देख रहे हो जो कि मैंने आपको दिखाया है 3,90,000 रुपये का है, और कब का मॉडल है? 2014 का मॉडल है। और चला कितना है ये पूरा? 18,000 चली है सिर्फ, बस ऑनली 18,000 चला हुआ है। बाकी आप कंडीशन देख सकते हो, इस वेल कंडीशन ऑलमोस्ट बेस्ट लग रहा है। और प्रॉपर मुझे अंदर का कंडीशन मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। अब अंदर का कंडीशन देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर भी दिखा रहा है सभी चीज़ें जो होती हैं, और स्क्रैचेस भी बहुत ही कम, मतलब जो कंडीशन आपको चाहिए वो चीज़ें हैं। और इंजन जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो स्टॉप वगैरह सभी चीज़ें। तो बाकी अंदर का कंडीशन मुझे ठीक लगा, बाकी आप जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको विजिट करके कार को टेस्ट भी करके एंड ड्राइव करके भी देख सकते हो, कोई मतलब अगर कोई आता है चेक करना चाहता कर सकता है ना, कर सकते हैं। हाँ, आप आकर के यहाँ पर टेस्ट ड्राइव भी करके आप जो है ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। बाकी कंडीशन मुझे ये भी ठीक लगा, बहुत ही अच्छे कंडीशन है। और अंदर का कंडीशन
बेस्ट। तो अभी फिलहाल एक और गाड़ी है यहाँ पर रेड कलर का स्विफ्ट, बाकी इनके बारे में आप बताएंगे कि क्या कितना चला हुआ, क्या आपका मॉडल है और कितना तक में ये पड़ जाएगा। ये 2012 की गाड़ी है, VXI वेरिएंट है, स्विफ्ट पेट्रोल वेरिएंट में सेकेंड ओनर गाड़ी है और ये गाड़ी कम चली हुई है सर, 40,000 सिर्फ गाड़ी चली हुई है और सिर्फ एंड सिर्फ इसका आस्किंग हम लोग रखे हैं सर जी 375 इसका आस्किंग है, जो भी रहेगा निगोशियबल हो जाएगा 375,000 रुपये। भाई कंडीशन की बात करें तो स्विफ्ट का कंडीशन बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, कि आप कहीं से भी हो ना तो वो चीज़ें पेपर वर्क हो जाएगा, सभी चीज़ें आप ओके कर देते हो पेपर पेपर समय भी पूरा सर्विस वर्विस करके मिलेगी, फर्स्ट सर्विस आपको फ्री मिलेगी और 6 मंथ इंजन और गियर बॉक्स की वारंटी के साथ आपको गाड़ी मिल जाएगी। आपको जो है ये भी फैसिलिटी आपको मिल रहा है, मतलब 6 महीने की इंजन की वारंटी है एंड सर्विस भी ओके आपको फर्स्ट मिलेगा, सब कुछ ओके ऑलमोस्ट है, बाकी कोई भी इशू आप है। एक और यहाँ पर आपको दूसरी गाड़ी पे आते हैं, ये वैगनर है और इसका क्या आजकल प्राइस वगैरह है, कब का मॉडल है, वो सभी चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे बताएंगे। ये 2011 की है, सिंगल ओनर गाड़ी है, पेट्रोल प्लस CNG है ये और ये गाड़ी भी कम चली हुई है, सिर्फ 46,000 चली हुई है गाड़ी और इसका आस्किंग हम लोग रखे 285 इसका प्राइस रखा हुआ है सर, ये पेट्रोल प्लस CNG गाड़ी है। 2,85,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है। कब का मॉडल है ये? 2011 का मॉडल है, आप आगे के देखिए कंडीशन इसका काफ़ी ऑलमोस्ट नहीं वेल कंडीशन है, एकदम ऑलमोस्ट बेस्ट है, तो बाकी आपको दिखाते हैं आगे। एक और गाड़ी है यहाँ पर, आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ कि कंडीशन मुझे ये भी ठीक लग रहा है, बाकी बताएंगे कि इसका प्राइस और आपका मॉडल है, कितना चला हुआ है। ये 2010 की है, जेन स्टीलो है, VXI मॉडल है और गाड़ी भी कम चली हुई है, सिर्फ एंड सिर्फ 26,000 चली हुई है गाड़ी, सिंगल ओनर गाड़ी है और सिर्फ एंड सिर्फ इसका आस्किंग हम लोग रखे 225,000 उसका आस्किंग है, ऑन टेबल पर जो भी रहेगा मान सम्मान हो जाएगा, आप एक बार आको गाड़ी देख लो विजिट कर लो, जो भी रहेगा अपन कर देंगे। 2,25,000 रुपये? हाँ 2,25,000 रुपये। कंडीशन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और गाड़ी ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है, 2,25,000 रुपये है। और कब का मॉडल है ये? 2010 का मॉडल है और कंडीशन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, चला कितना है टोटल? चलिए 26,000। 26,000 रुपये टोटल चलिए है बस, इसलिए कंडीशन इसका ठीक लग रहा है, बाकी इसका मैं अंदर से आपको कुछ दिखाता हूँ। आप अंदर से देख सकते हो कि जो इसका जो अंदर की जो कंडीशन है ऑलमोस्ट ठीक है और स्टेयरिंग वगैरह भी बाकी सारी चीज़ों पर, म्यूजिक सिस्टम है, एसी है और सारी चीज़ों पर 2,25,000 रुपये मात्र 2010 का ये मॉडल है और बाकी आप लोग आकर के देख सकते हो एंड टेस्ट कर सकते हो, ड्राइव करके उसके बाद ले सकते हो, बाकी जो कॉन्सेशन या नोगेटेबल तो हो ही जाएगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है, वीडियो देख करके पहुँचते हो तो कोई दिक्कत नहीं और आपको आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और गाड़ी है, इसके बारे में जानते हैं कि इसका कब का मॉडल है, प्राइस वगैरह बाकी बताएंगे सब कुछ। ये सर होंडा सिटी है, 2015 की सिंगल ओनर गाड़ी है, 54,000 चली हुई है, पुश बटन फुल्ली लोडेड विथ सनरूफ भी है इसमें और VX है, टॉप वाला वेरिएंट है और ये गाड़ी भी 54,000 चली और सिर्फ एंड सिर्फ इसका आस्किंग हम लोग रखा है 775। 7,75,000 रुपये इसकी जो है आस्किंग कीमत है, 54 मतलब चली हुई, मतलब देखा जाए तो 40,000 किलोमीटर ये ऑलमोस्ट चली हुई है, बाकी कंडीशन है और अब देख सकते हो बाकी टोटल, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर को। आपको ये पुश बटन स्टार्ट है, पूरी ऑटोमेटिक है, फुली लोडेड है और कंडीशन इज ऑलमोस्ट बिल्कुल ही न्यू कंडीशन आपको देखने के लिए मिल रहा है और सभी चीज़ें आप सीट वगैरह भी इसका देख सकते हो प्रॉपर और ऊपर सनरूफ भी है। ये सनरूफ कैसे खुलता है? खोल दो उसको, वो खोल दो ना सीट, ये खुल जा। तो बाकी ऊपर आप देख सकते हो सनरूफ भी है, बाकी इधर से आप तो होंडा सिटी का कुछ इस तरह की कंडीशन आपको देखने के लिए मिला और 44,000 मतलब 40,000 किलोमीटर टोटल चली हुई है, इस कंडीशन इज ऑलमोस्ट मस्त है एकदम। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक महिंद्रा XUV वाइट कलर का है, बाकी सभी चीज़ें बताएंगे कि क्या इसके प्राइस है, कब का मॉडल है, कितना तक में ये मिल जाएगा अगर आप आते हो तो। ये सर 2012 की W8 मॉडल है, सबसे टॉप एंड वाला वेरिएंट है और XUV 500 है ये W8 और गाड़ी है मतलब कम चली हुई है, 80,000 के आसपास गाड़ी चली हुई है और इसका सिर्फ अन आस्किंग रखे हम लोग 4,90,000 इसका प्राइस रखा हुआ है सर, और ये W8 है, सेफ्टी के लिए फुल्ली लोडेड है,
मतलब उसमें सब कुछ है, एयरबैग है, एबीएस है, मैक्यूल है, मतलब फुल्ली लोडेड गाड़ी है। 4,90,000 में आप जाओ गाड़ी लेके जाओ, 2012 का मॉडल। 4,90,000 रुपये कितना चला हुआ है? 80,000 80,000 जो गाड़ी चला हुआ है टोटल। बाकी कुछ लोगों की डिमांड होती है कि हमें चाहिए 7-सीटर गाड़ी, तो ये 7-सीटर गाड़ी है, काफ़ी लंबी गाड़ी है। कुछ लोगों के 4-सीटर होता है तो उनमें कंफर्टेबल नहीं होता, तो आप जो 7-सीटर आप लोगों की नीड है तो आप 7-सीटर गाड़ी आकर के एंड ले सकते हो। बाकी कंडीशन वगैरह ठीक है। 4,90,000 जो है इसका प्राइस है, बाकी चला हुआ है 80,000 किलोमीटर और काफ़ी बड़ी लग रही है दिखने में अंदर से। कंफर्टेबल गाड़ी है, बिल्कुल ही कंफर्टेबल है आकर के, एकदम सेफ्टी की कोई चिंता नहीं है। और एक और गाड़ी है यहाँ पर सिल्वर कलर की इनोवा, हाँ सिल्वर कलर की इनोवा है, और आप इसके बारे में बताएंगे कितना चला, कि आपका मॉडल है कितना तक में आपको मिल जाएगा सभी चीज़ें। ये 2011 का मॉडल है, 2.0 है, 2011 का मॉडल है, सेकेंड ओनर गाड़ी है, और गाड़ी भी मतलब कम चली हुई है, 90,000 सिर्फ चली हुई है गाड़ी, टोयोटा इनोवा। और इसका हम लोग आस्किंग रखे सर जी 6,40,000 इसका आस्किंग है, 6,40,000 रुपये जो है इनोवा का, और कंडीशन इज ऑलमोस्ट इज वेल है। बाकी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, देख सकते हो 6 महीने का आपको इंजन की जो है वारंटी प्लस फर्स्ट सर्विसिंग आपको ऑलमोस्ट होकर के मिलता है, चिंता की बात नहीं है। बाकी आप आते हो तो विजिट करते हो तो बाकी कॉन्सेशन वगैरह निगेटेबल हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। हाँ तो बाकी आपको देखते हैं अंदर की भी वगैरह कंडीशन इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। आप अंदर का कंडीशन देख सकते हो, इज ऑलमोस्ट कंडीशन काफ़ी अच्छा लगा। और इनोवा का आप देख सकते हो 6,00,000 कितना है इस प्राइस, ये 6,45,000 6,40,000 रुपये इसका प्राइस है। और अंदर का जो कंडीशन है, जो ऑलमोस्ट कंडीशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, सीट वगैरह भी काफ़ी स्टेबल है, कंफर्टेबल है, एंड प्राइस का जो आपको देख रहे हो कितना अच्छा प्राइस है। बाकी आते हो तो बाकी वो चीज़ें आपको कम लगे, 7-सीटर है, पीछे भी जो है काफ़ी लंबी गाड़ी है। बाकी अंदर का आप देख सकते हो, अब अंदर का जो है कि देख सकते हो कंडीशन, सभी चीज़ें जो ऑलमोस्ट ठीक ही है, अंदर का कंडीशन काफ़ी अच्छा है। वाइट कलर का एक और कार है यहाँ पर, हुंडई का करेटा, तो बाकी इसके बारे में जो है आपको बताएंगे सभी चीज़ें। ये 2019 का मॉडल है, सिंगल ओनर गाड़ी है, पेट्रोल में, ये फुल्ली लोडेड गाड़ी है सर जी, पुश बटन विथ सनरूफ और मैनुअल गाड़ी, और सिर्फ एंड सिर्फ 9,000 चली हुई है गाड़ी, और इसका हम लोग आस्किंग रखे 13,90,000। तो कंडीशन आप देख सकते हो, इसका पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर का भी सीन। बाकी अंदर का जो है मैनुअल है, और एयरबैग भी है, सभी चीज़ें आप, और अंदर की जो कंडीशन है जो देखने लायक है, 9,000 सिर्फ चला हुआ है, 9,000 किलोमीटर सिर्फ मात्र चला हुआ है। प्राइस है 13,00,000 रुपये, कितना 13,90,000 रुपये इसका प्राइस है। और बाकी आप विजिट करके देख सकते हो, कंडीशन बिल्कुल ही नया है, अंदर का आप दिखाओ अंदर से पूरा, आप अंदर का जो कंडीशन है वो काफ़ी हैवी लग रहा है अंदर से देखने के लिए। बाकी मॉडल है, सिंगल ओनर गाड़ी है, जैगवार XE XE वेरिएंट में, फुल्ली लोडेड गाड़ी है, पूरा शानदार गाड़ी है, और गाड़ी भी सिंगल ओनर 22,000 ही चली हुई है, पूरा वेल मेंटेन गाड़ी है। और सिर्फ एंड सिर्फ इसका आस्किंग हम लोग ने रखा है 2575 25,75,000। तो आप सोच सकते हो कि 25,75,000 की गाड़ी आपको ये पड़ रही है अभी, और इसका जो है शोरूम प्राइस को 80,00,000 रुपये। बाकी आप इसके अकॉर्डिंग जान सकते हो, और कंडीशन जो है ना जगवार का एक ऑलमोस्ट बिल्कुल ही नया कंडीशन लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और बिल्कुल ही ऑलमोस्ट इज वेल। बाकी आप आकर के देख सकते हो, यहाँ पर चेक करो, उसके बाद बाय कर सकते हो, जिसको जैसे कार की जिस रिक्वायरमेंट है वो आ सकते हो। पहले मैं आपको अंदर का भी दिखा देता हूँ। अगर अंदर की बात करें हम, तो अंदर का जो कंडीशन है यार
मतलब जगुआर का ये कुछ सिस्टम्स देख सकते हो, इस वेल अलग ही है और बैक साइड में बिल्कुल ही कंफर्टेबल है, बिल्कुल ही कंफर्टेबल मतलब एकदम ही कंफर्टेबल है। तो इसके अंदर भी फीचर्स वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ है, बाकी आकर के आप इनसे बात करके चेक करके जान सकते हो क्या क्या फीचर्स के अंदर है, बाकी वो आपको पूरी जानकारी देंगे। और कंडीशन इज़ वेल, अंदर से बिल्कुल ही क्लीन है, आप अंदर से दिखाओ, अंदर का कंडीशन दिखाओ अंदर का। आप अंदर का कंडीशन देख सकते हो, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो काफ़ी अच्छी कंडीशन है। कम के भी आते हैं 1 लाख का, उससे भी कम भी आ जाते हैं कभी कभी देखने के लिए आपको मिलेगा, बाकी हाई लेवल हर लेवल का हर एवरेज का कार का आपको यहाँ पर मिलेगा अवेलेबल। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छा लगा होगा एंड सभी चीज़ें आपको वीडियो में क्लियर लगा। बाकी आई होप उम्मीद कि जो भी पसंद आए आपको, और भी कार्स उपलब्ध जो कि हम सभी चीज़ें दिखा नहीं सकते, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा हर कार का, तो इसलिए मैंने आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें आपको मैंने दिखाया वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा, ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए एंड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।